भेजा कि मैं फिल्में लिखूँ, तो मुझे कभी कभी जो है ऑफर हुई और मैंने कभी कभी नहीं की। वो फिल्म जो शुरू में तो जो फाइनेंसर था कि ये फिल्म जो है चलेगी नहीं ज़्यादा, और इसके डायलॉग जो है बुकिश हैं। फाइनेंसर ने कहा कि फिल्म स्ट्रैक करो, सलीम जावेद साहब से लिखाओ कभी कभी। लेकिन साहब ऐसा हुआ कि कभी कभी सबसे ज़्यादा चली, और दिलीप कुमार साहब ने जब ये फिल्म देखी उन्होंने कहा इतनी अच्छी कैरेक्टराइजेशन, इतनी अच्छी जुबान मैंने आज तक नहीं देखी। तो इस तरह यूँ मैं फिल्मों में आया, इस तरह यूँ मैं फिल्म इंडस्ट्री में कभी कभी लिखी, इस तरह यूँ कि मैं बहुत कामयाब हो गया। फिर उसके बाद सिलसिला लिखी। फिर ये सवाल आता था कि हर जगह आप रोमांस की बात करते हैं, अपनी बातें करते हैं, क्योंकि मैं जो एक रिफ्यूजी हूँ, मेरा मसला जो है रोज की जिंदगी से लड़ना, झगड़ना, अपनी जगह पैदा करना, समझना, बेरोजगारी की बात करना। तो उसके लिए फिर मैंने अपने तौर पर बाजार फिल्म जो है इसका आइडिया मैंने दोस्तों को सुनाया, उनसे कहा कि मैं ये फिल्म बनाना चाहता हूँ, ये कहानी है। और मेरे दोस्तों ने कहा कि ये फिल्म अवल तो बन नहीं सकती, अगर खुदा ना खासा बन गई तो चलेगी नहीं, एक रोज नहीं चलेगी। मैं चली ही नहीं, हिंदी सिनेमा में ये दर्ज हो गई, यादगार हो गई। इसकी पूरी जो प्रोसेस थी, मेकिंग की, फिल्म बनाने की, इसकी कहानी की, और इनके जो एक एक किरदार आपने लिए, क्या नसीर साहब हों, क्या फारूक शेख हों, या स्मिता जी हों, स्मिता पाटिल जी हों, सुप्रिया पाठक हों, सारे एक जगह एक गुलदस्ते में आपने सबको सजा दिया, ये सब कैसे हुआ? इत्तेफाक से मेरी जगह अच्छी बन गई थी ड्रामे लिखने की वजह से, कभी कभी सिलसिला फिल्में लिखने से, और फारूक शेख तो एक तरह के फैमिली मेम्बर थे, घर में आना जाना, वो दुबई वगैरह जाते तो ढेर सारे मेरे लिए मिठाइयाँ लाते, बहुत अफेक्शनेटली ट्रीट करते। तो इस तरह जब मेरे दिमाग में मुझे लगा कि मैं सारी उम्र ये रोमांटिक पिक्चर नहीं लिख सकता, रियलिस्टिक पिक्चर, कि मैं कोलिवारा में रहता हूँ, एक कमरे में रहता हूँ, परेशानी है, टेंशन है, तो मेरी ज़िंदगी की सारी बातें जो हैं वो इन रोमांटिक फिल्मों में नहीं आ सकती। तो मैंने बाजार का कहानी जो थी वो दोस्तों को सुनाई, और दोस्तों की ये राय थी कि फिल्म चलेगी नहीं, अमल तो बनेगी नहीं, बनेगी तो चलेगी नहीं। लेकिन मैंने मुझे लगा कि मेरे दिल की बात है, अपने ऊपर एतकाज किया, अपने ऊपर एक तरह का भरोसा रखा, और मैंने बाजार फिल्म लिखी। और इत्तेफाक से फारूक शेख जो थे जान पहचान के फैमिली मेम्बर थे उनको लिया, एक स्मिता पाटिल थी वो बाहर की थी जिनको मैं नहीं जानता था, तो उनसे मैंने कहा अभी रोल कर रही है, पैसे अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। उन्होंने एक ही सवाल किया, बाद में देंगे इसका क्या भरोसा है? तो उन्होंने कहा, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा फिल्म छोड़ दीजिए, कहनी फिल्म को नहीं छोड़ूंगी, फिल्म तो करूँगी मैं। लेकिन लोगों की ये राय थी ये फिल्म चलेगी नहीं, सिर्फ मैं अकेला है, मैंने उस फिल्म को बनाया, और वो फिल्म आज सबसे अच्छी